मॉर्निंग बच्चों, अभी मैं ले रही हूँ 11th लेसन शेषावस्था में पोषण। शेषावस्था में पोषण, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, जीवन की जो अवस्था होती है, गर्भावस्था के बाद शेषावस्था, शेषावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। उसके जो प्रथम चरण में जो हम ले रहे हैं शेषावस्था में पोषण, क्योंकि हर स्तर पे पोषण की आवश्यकता हमें महसूस होती है। शिशु के जन्म के पश्चात एक वर्ष तक की अवस्था शेषावस्था कहलाती है। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया, शिशु के जन्म के एक वर्ष तक हम शेषावस्था कह सकते हैं। जन्म के 30 दिन तक यह नवजात अवस्था है, तत्पश्चात शिशु कहलाता है। गर्भावस्था के बाद शेषवकालीन विकास का एक द्वितीय महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें वृद्धि और विकास की गति अति तीव्र होती है। प्रत्येक प्राणी के जीवन काल में मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं ऐसी होती है जो सर्वाधिक शारीरिक मानसिक वृद्धि को प्रदर्शित करती है। ये अवस्थाएं हैं जन्म के पूर्व की अवस्था, शिशु अवस्था तथा प्रारंभिक किशोर अवस्था। शेषावस्था के दौरान होने वाली शारीरिक वृद्धि और विकास के अनुसार एक स्वस्थ शिशु का जन्म 3 से 2 किलो तक का होता है। जन्म भार गर्भावस्था के दौरान माँ के पोषण स्तर पर निर्भर करता है। शिशु के वजन 6 माह में जन्म भार का दुगना हो जाता है, 1 वर्ष में तिगना हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चा 6 महीने का है तो दुगना हो जाएगा और 1 वर्ष का है तो तिगना हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 किलो है तो 6 माह में 6 किलो हो जाएगा और 1 वर्ष में वो कितना हो जाएगा, 9 किलो हो जाएगा। एक स्वस्थ शिशु की लंबाई 50 से 55 सेंटीमीटर जन्म के समय होती है, जो कि 1 वर्ष पूरे होने पर लंबाई 23 से 25 सेंटीमीटर में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे शिशु की लंबाई में परिवर्तन होता जाता है, उसी के अनुसार शिशु के शारीर में अनुपात में भी परिवर्तन आता जाता है, जो कि शिशु की उपयुक्त वृद्धि और विकास के द्योतक होते हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में पानी की मात्रा 75% तथा 12 से 15% वसा पाई जाती है। जब जन्म होता है बच्चे का, कितनी उसकी पानी की मात्रा कितनी होती है, पानी की मात्रा होती है 75% और वसा की मात्रा कितनी होती है, वसा की मात्रा 12 से 15% होती है। ठीक है, 1 साल के अंत तक शिशु के जो पानी की मात्रा घटकर, अब इसमें समय देखने की बात है बच्चों, आपके प्रश्न बन के आएगा ये, 60% रह जाती है, 10% कम हो गई इसकी 15%, और वसा की मात्रा बढ़ जाएगी जो कि 12 से 15% था, अब उसकी प्रतिशत कितना बढ़ गया है, 24% तक बढ़ गया है। 1 वर्ष के अंत तक शिशु के मांसपेशियों का विकास पूरा हो जाता है। शेषावस्था में शिशु के मस्तिष्क का विकास 90% पूरा हो जाता है, मतलब शेषावस्था में जो मस्तिष्क का विकास होता है बहुत, है ना, वो पूरा हो जाता है। सिर की गोलाई का माप भी अधिकतम वृद्धि हो जाती है। जन्म के समय छाती व सिर के गहरे का अनुपात जो कि एक कम होता है, शेषव काल खत्म होते होते वह 1 से अधिक बढ़ जाता है, जो कि शिशु की उपयुक्त वृद्धि और विकास का द्योतक है। नवजात शिशु, नवजात की हृदय की गति अधिकतम होती है 120 से 140 एक मिनट में। आप लोगों के प्रश्न बन के आएगा ये, 120 140 नवजात की हृदय गति है, नवजात की हृदय गति कितनी आ रही है, 120 से 140 मिनट। जन्म के समय शिशु के रक्त हीमोग्लोबिन की मात्रा 17 से 20% 10 प्रति 100 मिलीलीटर तक होती है। शिशु के लाल रक्त कणिका जल्दी जल्दी टूटने के कारण 2 माह के हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है, और जहाँ 17 से 20 था वहाँ पर कितना रह गया, 12 ग्राम रह गया है, जो कि कम हो जाता है। लेकिन लाल रक्त कणिकाओं के टूटने से निकलने वाले हीमोग्लोबिन के उपयोग में पुनः रक्त कोशिकाओं कणिकाओं के रूप में हो जाता है। जैसे जैसे शिशु के वृद्धि और विकास होगा, शरीर का तरल द्रव्य रक्त की मात्रा बढ़ जाएगी, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता जाता है। नवजात की आहार नाल पूर्णतः परिपक्व नहीं होता है। नवजात की आहार नाल मात्र दूध, प्रोटीन, पाइसिक्रस व्रता, वसा, सरल कार्बोज का ही पाचन कर सकती है। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में इन पोषक तत्वों के पाचन के लिए भी एक एंजाइम स्रावित होता है। नवजात का उत्सर्जन तंत्र तथा वक्र अपरिपक्व होता है, जिसके वक्र अधिक लवणीय युक्त रक्त को नहीं छान सकता है, मूत्र के सांद्रण भी नहीं हो पाता है। लेकिन शैशव काल खत्म होते होते शिशु के वक्र वृषकों की भांति कार्य करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं शेषावस्था के पोषक तत्व की आवश्यकता। शेषावस्था में पोषक तत्व 3 कारकों को प्रभावित करते हैं। पहला है गर्भावस्था, धात्रीवस्था के दौरान माता का पोषण स्तर, स्तन पान, ऊपरी दूध या भोजन की पर्याप्तता, माता पिता से प्राप्त जन्मजात विशेषताएं, जैसे छोटे कद वाले माता पिता की संतान कद में छोटी होगी, मोटे माता पिता की संतान भविष्य में मोटे होने की संभावना अधिक रहेगी। शोध,
शोध द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि शिशु की उच्च ऊर्जा की आवश्यकता वयस्कों की यूनिट के प्रति भार अधिकतम होती है। जन्म के बाद प्रथम 6 माह में ऊर्जा की आवश्यकता अधिकतम 92 किलो कैलोरीग्राम शरीर भार, जो 6 माह के बाद 80 किलो कैलोरीग्राम शरीर का भार रह जाता है। प्रथम 6 माह के शिशु का वजन में वृद्धि दर सर्वाधिक होती है, 6 माह में धीरे धीरे कम होती जाती है। शिशु की यह ऊर्जा माँ के दूध में पूरक आहार उपरोत्तर प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में, इसमें प्रोटीन वसा और इस खनिज लवण इससे संबंधित। ठीक है बच्चों।